हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित आज मैं एक और वीडियो के साथ में आप लोगों के साथ में हूँ। आज जो ये वीडियो मैं बता रहा हूँ, स्पाई कैमरा वीडियो, ये है स्पाई टेबल क्लॉक कैमरा वीडियो। ओके, ये आप देखो उसकी फ़ोटो, HD वाई फाई क्लॉक कैमरा, ये कुछ इस शेप में कैमरा होता है। मैं आपको उसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या क्या मिलता है आपको, लाइक ये कैमरा है, कैमरा क्या, ये एक घड़ी है बेसिकली टेबल क्लॉक। इसको आप ऐसे किसी कहीं भी जगह रख सकते हो, लाइक ऐसे टेबल पे कहीं रखा है आपने, और ये इसके अंदर कैमरा इन बिल्ट है। साथ में आपको मिलता है ये चार्जिंग केबल, ये एक सेल और इसका मैनुअल कार्ड। ओके, सब कुछ सेम जैसा मैनुअल में बताया है। मैं आपको एक आसान तरीके से इस घड़ी को समझाऊंगा कि इसे चलाते कैसे हैं। बेसिकली ये जो घड़ी है, ये दो तीन अलग अलग एप्लीकेशन में, दो तीन अलग अलग बॉक्सेस में आती है, ठीक है। अभी जिसकी हम बात करेंगे, जिस घड़ी की हम लोग एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, इस घड़ी के अंदर इसमें जो एप्लीकेशन यूज़ होती है वो होती है लुक कैम। मैं आपको दिखाता हूँ पहले एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है लुक कैम, ठीक है। ये आपको मिलेगी प्ले स्टोर से या लुक कैम, ऐसे आपने टाइप करना है लुक कैम, आपको ऐसे ही प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से तुमसे मिल जाएगी, फ्री एप्लीकेशन है। अब इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो एप्लीकेशन है ये काम कैसे करती है, ये जो डिवाइस है काम कैसे करती है, ये डिवाइस को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, वो आपका यूज़ डिपेंड करता है। हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि ये डिवाइस जो है वो यूज़ कैसे होती है, दैट्स इट। अब ये जो इसमें आप देख पा रहे हैं, ये इसके IR होते हैं, ठीक है, ये इसका कैमरा होता है। पर अभी आप इसमें देख पा रहे हो कि आपको नॉर्मली दिखाई नहीं दिया कैमरा, जब बहुत ध्यान से इसको देखेंगे तो अभी क्या कैमरा इसमें विजिबल होता है बहुत ध्यान से देखने पे यहाँ पे, और जब ये लाइट ऑन हो जाती है तो ये कैमरा विजिबल होना वैसे ही बदल जाता है। तो इसको शुरू करने के लिए कैसे करेंगे, ये इसको ऐसे इसको अनलॉक किया, ये सेल साथ ही मिलता है आपको, ये सेल आप कंपनी का सेल ले लेंगे अगर तो उसका बैटरी बैकअप बढ़ जाता है। नॉर्मली में इसका जो बैटरी बैकअप है सेल का, जो बैकअप देता है, ये देता है करीब 3 से 4 घंटे चार्ज होने पे। सो चार्ज कैसे करना है, यूज़ कैसे करने हैं, मैं इस वीडियो में बताता रहूँगा आपको, बने रहो साथ साथ। सेल को लगाना है, जैसे प्लस माइनस लगता है, ये प्लस माइनस लगा दिया, ठीक है। लगाने के बाद आप देखोगे यहाँ पर तो ऑन ऑफ है, इसका ऑन ऑफ स्विच है, ये जो मेरे उंगली के सामने है ये इसका ऑन ऑफ स्विच है, इसका रीसेट स्विच है अंदर की तरफ, ये इसका चार्जिंग स्लॉट है, ये इसका मेमोरी कार्ड स्लॉट है, और ये इसका इंडिकेटर लाइट है। अभी आप देख पा रहे हो ऑन ऑफ स्विच में, मैं इसको ऑन करूँगा, ये लेफ्ट किया तो ये लाइट आ गई इसमें और ये ऑन हो गई, डिवाइस ऑन होके ये ऐसे इसमें डिवाइस ऑन हो जाती है। अभी कैमरा सेटअप का काम रह गया, जब डिवाइस ऑन होती है तो आप देख पा रहे हैं इसमें रेड लाइट है एक, और एक साथ में आपको ब्लू लाइट ब्लिंक कर रही है। जो ये ब्लू लाइट ब्लिंक कर रही है तो मतलब ये डिवाइस जो है ब्लू लाइट स्टेबल करना है हमें इसको। बेसिकली जो ब्लू लाइट ब्लिंक हो रही है मतलब जो डिवाइस है ये अभी हॉटस्पॉट आने वाला है इसका, जब हॉटस्पॉट आ जाएगा इसका तो इसको हम लोग आगे कनेक्ट करेंगे। अभी ब्लिंक चालू हो गया है, डिवाइस में 00 टाइम लिखा हुआ आ गया है। अब इसको हम लोग सेटअप चालू करते हैं। इसका सेटअप चालू करने के लिए ये हमारे पास एक एप्पल का फ़ोन है, ठीक है, आपके पास जो भी हो एंड्रॉयड वगैरह आप कुछ भी ले सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन है लुक कैम, ठीक है। तरीका कैसे रहेगा यह बताता हूँ आपको मैं। आपने सबसे पहले जाना है कहाँ, आप अपने जाएंगे फ़ोन की सेटिंग में, यहाँ से आप जाएंगे वाईफाई सेटिंग में। वाईफाई सेटिंग में आप जब देखोगे ये जो नाम आ रहा है F3592290, ये जब नाम आता है ये है ये कैमरे का, जब ये कैमरा ऑन होगा डिवाइस ऑन होगा तब ये नाम आएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करके, ये इसको हम लोग ऐसे बंद करते हैं, लाइक ये ऑफ किया, डिवाइस ऑफ, डिवाइस ऑफ। अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो ये मेरा वाईफाई कनेक्ट हो गया, वो जो नाम आ रहा था एफ वाला वो यहाँ पे आना बंद हो गया। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसको करेंगे ऑन। अब देखो कि ये लेफ्ट साइड इधर ऑन लिखा है तो ये इसको इस तरफ करना है और इधर ऑफ है, तो इसको यहाँ से
ये मैंने स्लाइड लेफ्ट में किया बटन को, देखो बटन कहाँ पे आ गया, ये डिवाइस ऑन हो गई, यहाँ से भी ऑन हो गई और ये यहाँ से भी ऑन हो गई। अब हम वेट करेंगे वो लाइट का ब्लिंक होने का, यहाँ पर ब्लू लाइट ब्लिंक, ये देखो आ गई ब्लू लाइट ब्लिंक होना चालू हो गई। अभी ब्लू लाइट ब्लिंक होना चालू हो गई है मतलब ब्लिंकिंग स्टार्ट मीन्स के जो कैमरे की जो नाम होगा वाईफाई का आईडी का वो अब हमारे फ़ोन के वाईफाई में शो करने के लिए तैयार होगा। करें क्या, एक बार वाईफाई को ऑफ करो, वाईफाई को ऑन करो तो आप देखो ये फिर से नाम आ गया अलीबन। जो ये नाम जो बेसिकली ये ना हॉटस्पॉट है, ये कैमरे का हॉटस्पॉट है, जब ये ऑन होगा तभी यहाँ पे आएगा। ये तब तक आएगा जब तक आप इस कैमरे को कोई ना कोई वाईफाई असाइन नहीं कर देते, ठीक है। अभी हम लोग इसको करेंगे पहले एक्सेस यहाँ से, यानी कि आपके अपने फ़ोन के वाईफाई में ये नाम को यहाँ पर आपने कनेक्ट करना है। देखो ये कनेक्ट हुआ, ये बोलेगा नो इंटरनेट कनेक्शन, दैट्स इट। और ज़रूरी भी है क्योंकि इसमें इंटरनेट तो नहीं है कोई घड़ी के अंदर, इस घड़ी में कोई इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कराएगा आपको, ये सिर्फ आपको एक हॉटस्पॉट सेटअप देगा जस्ट टू एक्सेस दी डिवाइस। ये है हॉटस्पॉट, ये F35 जो है वो ये हॉटस्पॉट है इसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है। ये हॉटस्पॉट हमारा अब हमारे फ़ोन के वाईफाई में कनेक्ट रहेगा, हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। कैसे कनेक्ट कर पाएंगे एक्सेस, ये यहाँ कनेक्ट दिखा रहा है, ओके। जब ये कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे वाईफाई का साइन बना हुआ आ जाएगा। अभी अब देखो तो यहाँ पे जो साइन है वाईफाई का उसके पीछे एरो बना हुआ है, डंडा उसके पीछे कुछ, यानी कि नो इंटरनेट कनेक्शन। वो होने दो उसको, हमें कोई दिक्कत नहीं उससे। कैमरे को बंद करेंगे यहाँ से, सीधा आप जाएंगे अपनी एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन में जाके ये जो नेटवर्क को यूज़ करने के लिए बोल रहा है या डिवाइस को बोल रहा है इसको आप अलाउ कर देंगे। अब देखोगे कि कैंसिल, वो जो आईडी थी आपके फ़ोन के वाईफाई में जो आ रही थी आईडी, लाइक अगर हम जाके दिखाएं आपको, ये देखो वाईफाई F35929 ZSURC, इसको अगर आप जाएंगे वाईफाई सेटिंग में तो यही वो आईडी देखो यहाँ पे जो आ रही है F35929 ZSURC। ये जो हमने हॉटस्पॉट जिस नाम से आया था उसी नाम से आप देखोगे तो आपके डिवाइस में एक F3592 करके आईडी कनेक्ट हो गई है। ये डिवाइस आप ऑनलाइन दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो कनेक्ट है वहाँ पर। किसी किसी एंड्रॉयड फ़ोन में ऐसा होता है कि डिवाइस ऑनलाइन नहीं दिखाता कनेक्ट होने के बाद भी, तब तो आप क्या करोगे, आप अपना मोबाइल डेटा ऑफ कर लेंगे। आप मोबाइल डेटा ऑफ करने के बाद में इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे कनेक्टिंग और डिवाइस ऑनलाइन दिखा देगा। ये कुछ एंड्रॉयड डिवाइस के लिए है, एप्पल में डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है बिना हॉटस्पॉट को मोबाइल डेटा को ऑफ किए बिना, पर कहीं कहीं पे आपको मोबाइल डेटा को ऑफ करना पड़ता है किसी किसी फ़ोन में। तो द बेस्ट प्रैक्टिस इज बेस्ट क्या है कि आप अपना मोबाइल डेटा को ऑफ कर लेंगे, वाईफाई में ये आईडी कनेक्ट रहेगी जो इसका हॉटस्पॉट आईडी है, और आप देखोगे ऐसे कैमरे की आईडी कनेक्ट मिलेगी आपको, रिफ्रेश करोगे कनेक्टिंग एंड डिवाइस ऑनलाइन। जब डिवाइस ऑनलाइन दिखाएगा और अब इसको प्ले करेंगे तो ये बोल रहे कि यूजिंग द डिफॉल्ट एक्सेस पासवर्ड इज नॉट एन वाइज चॉइस, डू यू वांट टू मॉडिफाई इट। आप यहां से इसको अभी मॉडिफाई कर सकते हो या बाद में कर सकते हो। अभी फिलहाल हम इसको ऐसे एक्सेस कर लेंगे, कैंसिल करके आगे बढ़ते हैं। ये आप देखो ये हमारा डिवाइस चालू हो गया, तो ये देखो हम यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं। ये हमारा ट्राईपॉड जिससे हम वीडियो बना रहे हैं, ये सारी हमारा मोबाइल, ये देखो मोबाइल के अंदर घड़ी के अंदर कैमरा, और ये रहे हम यहाँ से। और अगर आप देख पाएँ तो ये सामने ये हमारा जो वेयर हाउस है, हमारी शॉप है, उसकी एंट्री, कैमरा कनेक्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे, ये हमारा हॉटस्पॉट, ये देखो। अभी मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ कि ये सामने आपको दिखाई दे रहा है व्यू एंगल, और ये सामने जाएंगे तो ये डिवाइस, ठीक है। ओह सेटिंग बिगड़ी सारी, एनीवेज तो ये हमारा कनेक्शन ऐसे, ये हमारा मोबाइल, ये देखो मोबाइल के अंदर कैमरा, कैमरे के अंदर मोबाइल, ये रहे हम अपना हॉटस्पॉट और ट्राईपॉड लेके, ये रहा हमारा ट्राईपॉड, ये रहा हमारा रिकॉर्डिंग जिसम कर रहे हैं। आप देखोगे कैमरे के अंदर कैमरा है,
जस्ट टू प्रूव कि हाँ हम लोग सेम वीडियो पे काम कर रहे हैं जो हमने बना रहे हैं, हम लोग सेम एप्लीकेशन पे है। अब यहाँ से हम लोग पास क्या क्या मिलता है देखो, यहाँ पे आपके पास में है, यहाँ सेटिंग है 4K 2K 1080p, जो भी आपको चाहिए 4K करनी है 4K कर लो, तो थोड़ी क्लैरिटी और इसकी एनहांस हो जाती है, शार्प हो जाती है। और अभी आप देखोगे तो फिल्म इसके आगे सेट रहेगी तो क्लैरिटी एनहांस कर देता है। ओके, अब यहाँ से मैं आपको क्या क्या दिखाने वाला हूँ। अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको इसका नाइट विजन, मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका साउंड। हेलो 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 हेलो, ठीक है। ये माइक है, ये काम नहीं करेगा क्योंकि स्पाई कैमरा है। ये फोटो के लिए होता है, ये वीडियो बनाने के लिए है, ये स्क्रीन को फ्लिप करने के लिए है, ये आपको मैंने बता दिया ऊपर 4K वाला आइटम। ये जो आप देख रहे हो इंडिकेटर आपके सामने ब्लिंक कर रहा है, अगर आप चाहते हो कि ये इंडिकेटर को ऑफ करना है, जो इंडिकेटर आपके सामने ब्लिंक कर रहा है यहाँ पर डिवाइस के अंदर, ये इंडिकेटर जो ब्लिंक कर रहा है यहाँ पर, आप चाहते हो कि मुझे इंडिकेटर ऑफ करना है और डिवाइस ऑन रहे, तो आप क्या करेंगे, हम अपने पास रखते हैं इसको ऐसे, ये देखो, तो आप क्या करेंगे कि ये जो इसे ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे इंडिकेटर दिखाई देगा आपको, इंडिकेटर दिखाई दे रहा है। अब इसको आप बंद कर देंगे तो इंडिकेटर बंद हो गया। अब देखो ये इंडिकेटर बंद हुआ है सिर्फ, जो रेड लाइट पीछे थी इसके, पर डिवाइस अभी भी काम कर रही है। आप मेरा पॉइंट समझ गए, इंडिकेटर ऑफ करके डिवाइस पे काम कर सकते हो आप। ये इंडिकेटर का पॉइंट है, ये इंडिकेटर ऑन करेंगे तो ये फिर से ऑन हो गया। ओके, अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका नाइट विजन। ओके, तो नाइट विजन के लिए क्या है कि देखो, जैसे हमारे पास क्या है नाइट विजन दिखाने के लिए, आपके पास एक ड्रॉअर है, लाइक मैं आपको अगर ड्रॉअर में यूज़ करूँ तो ये घड़ी अभी मैं डाल रहा हूँ इस ड्रॉअर के अंदर, ठीक है। ये ड्रॉअर में रख दिया इसको, अभी देखो वहाँ पे नोट दिखाई दे रहे हैं कैमरे में, ये देखो, ठीक है। ये देखो, ये हमारी फिंगर हाफ सामने आ गई, ये घड़ी मैंने रखी ड्रॉअर के अंदर, ये ड्रॉअर है, ड्रॉअर में कुछ पैसे रखे हैं और ये वही पैसे हैं जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं कैमरा में, सी ऐसे दिखाता हूँ, ये देखो। ठीक है, तो ये नाइट विजन चेक कर रहा हूँ आपको इसका मैं, तो कैसे होगा कि ये ड्रॉअर मैंने अब किया बंद, अब ड्रॉअर बंद किया तो यहाँ देखोगे आप कि ये बिल्कुल अंधेरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ जब इसको आप ऑन करते हैं नाइट विजन को, तो आप देख पाओगे कि ये इसका नाइट विजन मोड एक्टिवेट हो गया, अंधेरे में भी काम करती है घड़ी। ये पूरा ड्रॉअर दिखा रहा है अंदर से, देखो नाइट विजन मोड एक्टिवेट, ये नाइट विजन मोड एक्टिवेट करने के लिए है। ऑफ कर देंगे नाइट विजन मोड ऑफ, तो पूरा अंधेरा रहेगा, जैसे ही इसके सामने रोशनी आएगी तो ये ड्रॉअर खुलेगा तो घड़ी ऐसे काम करेगा। एनीवेज, ओके, तो ये हम वापस फिर से आ गए। ये है, तो सारे फीचर्स के बता दिए आपको मैंने यहाँ से, और अब बात आती है इसको वाईफाई सेटिंग कैसे करनी है, इसकी कनेक्शन कैसे करना है वाईफाई का। तो इसके लिए आप यहाँ से बैक जाएंगे, गो बैक, बैक जाके डिवाइस ऑनली दिखा रहा है। अच्छा एक चीज़ और देखो, अभी डिवाइस में टाइम दिखा शो कर रहा है, आप चाहते हो कि ये टाइम यहाँ से मैं बंद कर दूँ किस तरीके से और मेरी डिवाइस फिर भी काम करे, तो आप ये देख पा रहे हो कि ये एक और टाइम को हाइड करने का ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास। जब आप इसको क्लिक करते हो तो ऑपरेशन सक्सेसफुल, तो आप देखोगे घड़ी का टाइम बंद हो गया, लेकिन स्टिल आप इसको प्ले करेंगे, कैमरा प्ले कैंसिल, तो आपकी डिवाइस अभी भी काम कर रही है। ये देखो, ये आपकी डिवाइस अभी भी काम कर रही है, इसके पीछे से आप इंडिकेटर बंद कर सके हो, जो पीछे का इसका इंडिकेटर है आप चाहते हो उसको बंद करना तो उसको भी यहाँ से आप बंद कर सकते हो। अब इंडिकेटर ना तो पीछे है ना ही आगे है, बस डिवाइस आपका काम कर रहा है 100% वर्किंग कंडीशन में विथ साउंड, लाइक हेलो 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 हेलो। ओके, दिस इज वेरी गुड, ये हम हैं यहाँ पर आपके सामने फोन पे। ओके, तो ये इंडिकेटर मैं ऑन कर देता हूँ, पता नहीं लगेगा वैसे, वरना फिर ये मैंने ऑन किया इंडिकेटर, ये इंडिकेटर यहाँ से ऑन हो गया, और ये जो लाइट यहाँ पे बंद ऑफ है, अब देखो ये लाइट यहाँ पे ऑफ है, इसको यहाँ से बैक जाके और ये जो एक ऑप्शन था इसको यहाँ से ऑन करेंगे तो ये डिवाइस लाइट आ गई वहाँ पर। ओके, अब बात आती है इसको पासवर्ड मॉडिफाई करने की। तो पासवर्ड मॉडिफाई में जैसे ही आप प्ले करते हो, आपको बोलता है
यूजिंग द डिफॉल्ट एक्सेस पासवर्ड इज नॉट एन वाइस चॉइस, तो आपको इसको मॉडिफाई करना है. मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड है. ओल्ड पासवर्ड इसका याद रखेंगे आप, वो होगा 1 2 3 4 5 6. ओल्ड पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 है. न्यू पासवर्ड में जो भी आप लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो. इसमें कन्फर्म पासवर्ड, जो आप पासवर्ड लगाएंगे उसे कन्फर्म करना है और ओके कर देना है, यह पासवर्ड को सेट हो जाएगा. मैं अभी पासवर्ड सेट करना चाहता नहीं क्योंकि मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको दूसरे डिवाइस में इसको कैसे प्ले होगा पासवर्ड के साथ. अब मैं इसे दिखाता हूँ सेटिंग कैसे करते हैं वाईफाई से. वाईफाई सेटिंग के लिए ये सेटिंग के ऑप्शन में गए, यहाँ पर आपको मिलती है कुछ सेटिंग्स. यहाँ पर आपको मिलती है डिवाइस सेटिंग. डिवाइस सेटिंग में क्लिक करेंगे आप, डिवाइस सेटिंग में यहाँ पर आपको मिलता है वाईफाई सेटिंग का ऑप्शन. यहाँ पर वाईफाई सेटिंग में क्लिक करेंगे आप, अब यहाँ पर जो भी आपके नियर बाय वाईफाई होंगे वो सब यहाँ पर आपको शो होंगे. आपने यहाँ पर जो आपका वाईफाई होगा, लाइक जैसे मेरा है एयरटेल लूसीफर के नाम से, तो मैं अपना करूँगा कनेक्ट और ये आ गया. अब आपका वाईफाई विल कनेक्ट वाईफाई, यस पासवर्ड चाहिए होगा अब यहाँ पर, तो यहाँ पर बनेगा वाईफाई का पासवर्ड. और वाईफाई का पासवर्ड जो मेरी कंडीशन में वो है, ओके तो यहाँ पर आपने वाईफाई पासवर्ड डाल देना है. पासवर्ड डालने के बाद आपने बस चेक कर लेना कि पासवर्ड ओके हो आपका. पासवर्ड ओके होगा और यहाँ पे सीधा करना है आपने ओके और डिवाइस कनेक्शन चालू हो जाएगा. देखो यहाँ पे आ गया सेव डिवाइस विल रिबूट, यस इसको ओके कर देना. डिवाइस स्टार्ट होगी, ये हट जाएगा यहाँ से. देखो अभी ये आपको शो करेगा कनेक्टिंग, ओके अब वो रिबूट हो रहा है. अब इस बीच आपने क्या करना है कि आपने अपना मोबाइल डेटा को ऑन कर लेना है सभी फ़ोनों के अंदर और कनेक्टिंग मोड पर आ जाएगा. अब यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे तो जैसे ही इसका वाईफाई से कनेक्शन होगा तो यहाँ पर आपको ये पहले तो डिवाइस ऑफलाइन दिखाएगा, फिर रिफ्रेश करोगे, फिर कनेक्टिंग. अगर आपने पासवर्ड सही लगाया है वाईफाई का तो ये कनेक्ट हो जाएगा ऑनलाइन. अगर आपने पासवर्ड गलत लगा दिया गलती से तो ये आपको प्रॉम्प्ट नहीं करेगा कि पासवर्ड गलत लगाया आपने, लेकिन ये कनेक्ट भी नहीं होगा. ये ऐसे चलता रहेगा डिवाइस ऑफलाइन डिवाइस ऑफलाइन डिवाइस. अब देखो मैंने पासवर्ड सही लगाया था तो मेरा डिवाइस ऑनलाइन आ गया. अब आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, डिवाइस ऑनलाइन करूँगा प्ले करूँगा, ये पासवर्ड मॉडिफाई के लिए बोलेगा. जब तक आप पासवर्ड मॉडिफाई नहीं कर लेते, जब आप पासवर्ड मॉडिफाई कर लोगे तब ये बोलना बंद हो जाएगा. फिलहाल हम इसको कैंसिल करते हैं. ये हमारी घड़ी चालू हो गई, ये है हम, ये हमारा फोन, ये रहा फोन, ये रहे हम यहाँ पर बैठे हैं. देखो शाम का टाइम है, बिना मुंह धोए बैठे हैं. ये सामने हमारा शॉप का फ्रंट गेट, ये कैमरा, सॉरी. ओके तो अभी मैं देखो डिवाइस फ़ोन से दिखाता हूँ आपको. ये साथ में इसके मिलता है डिवाइस इंडिकेटर, ये नीचे बॉक्स गिर गया. अरे वाह रेंज अच्छी है इसकी, दूर तक रेंज है. ये हमारा एक वेयर हाउस है जहाँ पे हम लोग सप्लीमेंट्स भी रखते हैं. आज मुझे मौका नहीं मिला अपने स्टोर पे वीडियो बनाने का, तो आज मैं अपने सप्लीमेंट वाले स्टोर पे हूँ, तो सोचा कि चलो यहीं बना लेते हैं आज वीडियो. कस्टमर्स की डिमांड थी, पिछली वाली वीडियो पे बहुत सारे मैसेज थे कि भैया लुक कैम एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करते हैं, तो हमने चलो ठीक है बताएंगे आपको. तो ये लुक कैम एप्लीकेशन है, ये घड़ी है. किसी भी भाई को ये घड़ी अगर अपने घर के लिए मंगवानी है, ख़रीदना है, तो आप, मैं आपको नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि आपको घड़ी घड़ी घर पहुँच जाएगी. छोटे से मिनिमल से डिलीवरी चार्जेस होते हैं, ऑल ओवर इंडिया 100 रुपीज़ वो डिलीवरी चार्जेस आप पे करने होंगे आपको और घड़ी आपके घर पहुँच जाएगी. मैं नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर. ओके तो अब आते हैं बैक. अच्छा अब आप, ये मैं आपको जो चीज़ दिखा रहा था वो ये था कि आप ये देखोगे कि जब ये वाईफाई सेट हो जाता है तो ये जो ब्लिंक कर रहा था पहले ब्लू लाइट, वो अब स्टेबल हो गया है. जो लाइट थी ब्लू वाली वो स्टेबल हो गई है. लाइट स्टेबल होने का मतलब है ब्लू लाइट का कि आपका वाईफाई, इसको कोई ना कोई वाईफाई इसको मिल गया है. अभी देखो कोई लाइट ब्लिंक नहीं हो रही इसके अंदर ब्लू. ये अभी आप कैमरे में आपको दिख रहा होगा पर्पलिश, लेकिन ये सामने में जो दिखाई दे रहा है वो है रेड और ब्लू, जो पर्पल बनता है हल्का सा. एनीवेज कलर कॉम्बिनेशन इतने मुझे पता नहीं है, लेकिन जो पहले ब्लिंक हो रहा था ब्लू, अब वो बंद होना बंद हो गया. तो ये रहा इसका वाईफाई कनेक्शन. अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं कि वाईफाई से कनेक्ट है, डिवाइस ऑनलाइन है, ये प्ले एंड ये प्ले, डिवाइस ऑनलाइन है. लाइक देखो डिवाइस ऑनलाइन है, ठीक है ये चल रही डिवाइस. ये रहा हमारा ट्राइपॉड और ये देखो ट्राइपॉड के अंदर भी हम भी कैमरे में भी दोबारा ट्राइपॉड देख पा रहे हैं और ये हैं हम. ओके अभी मैं जो चीज़ दिखा रहा था आपको वो ये थी कि बैक, अब ये डिवाइस ऑनलाइन है, लेकिन आप ये चीज़ दिखाता हूँ कि आप फ़ोन के वाईफाई में जाकर देखोगे तो जो वाईफाई इसका था हॉटस्पॉट,
वो अब शो नहीं करेगा, वो वाला बंद हो जाएगा क्योंकि उसका कनेक्शन हो चुका है हमारे एयरटेल लूसीफर से, तो अब वाना बंद हो जाएगा, अब वाईफाई सिग्नल भी नहीं आएगा। और आप देखोगे कि जो लाइट है पहले जो ब्लिंक हो रही थी, अब वो ब्लिंक होना बंद हो गई है, वो ब्लिंक नहीं होगी, अब वो स्टेबल हो गई है। जैसे ही आप इसे कोई वाईफाई देंगे ये स्टेबल हो जाएगा। आप इसको यहाँ से जो इसका बॉक्स साथ में मिलता है जो पीछे था इसके, आप इसको इसके साथ में इसको लगा के ऐसे इसको बंद कर सकते हो, ठीक है। लाइट को आपको ऑफ करने का तरीका मैंने बताया था कि आप इसमें सेटिंग में जाके अपना ये जो डिवाइस सेटिंग है या कैंसिल, यहाँ पर अगर आप इसको बंद कर देते हैं यहाँ से, तो ये जो ब्लिंक था ब्लिंक होना बंद हो जाएगा। अभी कोई लाइट नहीं है इसके अंदर, सिर्फ एक घड़ी, नॉर्मल सी घड़ी लग रही है, देखो दूर से आप ये देख रहे हैं, आप ये बस घड़ी है एक जिसमें कैमरा लगा हुआ है, देखो परछाई में भी आप ट्राइपॉड देख पा रहे हो कैमरे मोबाइल के अंदर। ये साउंड इसका, हेलो हेलो, अभी ये पास है तो इको हो रहा है, दूर रहेगा तो इको होना बंद हो जाएगा। अभी इसमें कोई लाइट नहीं है, ये लाइट को ऑन करने के लिए आपको ये इंडिकेटर यूज़ करना पड़ता है, ये इंडिकेटर को यूज़ करेंगे आप, ये लाइट यहाँ पे ऑन हो गई पीछे। अगर लाइट से कोई इशू नहीं है आपको तो आप इस इंडिकेटर को ऑन रखो या ऑफ कर दो, ये आपके ऊपर है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो था लुक कैम एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए। ये डिवाइस जो लुक कैम एप्लीकेशन में भी आती है और बाकी और भी एप्लीकेशन में इसको देखा गया मार्केट में, बहुत खूबसूरत छोटी सी डिवाइस है, दो अलग अलग शेप में आती है। मैं दोनों शेप की आपको फोटोज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मैं कॉन्टैक्ट करने के लिए मोबाइल नंबर भी डाल दूंगा, ताकि आपको अगर ये डिवाइस अपने घर में मंगवाना है बैठे बैठे, तो ये डिवाइस आपको अपने घर पर मिनिमम रेट पर सिंगल पीस भी चाहो तो पहुँच जाएगा। डिलीवरी चार्जेस ऑल ओवर इंडिया 100 रुपीज़। बाकी जो डिवाइस की प्राइस है वो मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप आप करेंगे, मुझे बोलेंगे आप कि मैंने आपकी वीडियोस देखी है यूट्यूब पे, आपके डिवाइस के क्या आपके इसकी प्राइस हैं, तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा या कॉल पे बता दूंगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू।